हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल पर। फ्रेंड्स, मैंने ये स्लीपर बनाए हैं, देखने में बहुत ही सुंदर है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। ये 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे के लिए हैं। इसमें मैंने ये फ्लावर लगाए हैं, फ्लावर का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप ये स्लीपर बड़े देखना चाहते हैं, बड़े साइज़ में देखना चाहते हैं, तो उसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 2 घंटे में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने 4 प्लाई की ऊन ली है और 3.75 mm का हुक लिया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्लिप नॉट लगाएंगे, फिर हम 36 चेन लगाएंगे। छत्तीस चेन लगाने के बाद 2 चेन एक्स्ट्रा लगाएंगे, फिर हम 2 चेन को छोड़कर थर्ड चेन में हम पहले 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। पहले हम सॉरी 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन, फिर उसी में हम करेंगे 3 बार डबल क्रोशिया, फिर हम फ्रेंड्स हम 1 2 ये 2 चेन छोड़ेंगे, नेक्स्ट चेन में हम करेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर हम 1 2 2 चेन छोड़कर नेक्स्ट चेन में हम करेंगे पहले 3 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर उसी में करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया, इस टाइप से। फिर 1 2 2 चेन छोड़ेंगे, नेक्स्ट चेन में हम करेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 2 चेन छोड़ेंगे, नेक्स्ट चेन में हम करेंगे पहले एक ही में 3 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर उसी में डालेंगे हम, उसी में ही हम करेंगे जहाँ पे हमने 3 बार डबल क्रोशिया किया था, उसी में हम करेंगे 3 बार डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन छोड़ेंगे, नेक्स्ट चेन में करेंगे हम सिंगल क्रोशिया, इस तरह से हम ये सारा करते हैं, हम ये पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम लास्ट में पहुँच गए हैं। अब हम 1 2 2 चेन छोड़ के लास्ट में हम करेंगे सिंगल क्रोशिया, इस तरह से आएगा फ्रेंड्स। फिर 3 चेन लगाएंगे, उल्टा देंगे। फ्रेंड्स, ये 3 डबल क्रोशिया हम छोड़ देंगे, यहाँ पे करेंगे हम जहाँ पे हमने 2 चेन लगाई है वहाँ पे पहले करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर वहीं पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब हमने कोई चेन नहीं लगानी, ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे जहाँ पे हमने 2 चेन लगाई है वहाँ पे हम करेंगे 3 बार डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर वहीं पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया, फिर बिना चेन लगाए यहाँ पे नेक्स्ट शेल पे जाएंगे जहाँ पे हमने 2 चेन लगाई थी,
यहाँ पे करेंगे हम तीन बार डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर वहीं पे करेंगे हम तीन बार डबल क्रोशिया, इस तरह से। तो फ्रेंड्स हम ये पूरी रो हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स हमने ये रो कंप्लीट कर ली है। अब हम तीन चेन लगाएंगे और फिर यहाँ पे डालेंगे जहाँ पे दो चेन लगाई है हमने, तीन बार डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर वहीं पे करेंगे हम तीन बार डबल क्रोशिया, फिर बिना चेन लगाए जहाँ पे हमने दो चेन लगाई है वहाँ पे करेंगे हम तीन बार डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर वहीं पे करेंगे हम तीन बार डबल क्रोशिया, इस तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह से ये हम बनाते जाएंगे और अंगूठे से लेके एड़ी तक का नाप ले लीजिए, फिर उतनी लेंथ इसकी बना लेंगे। फ्रेंड जितनी लेंथ मुझे चाहिए थी उतनी मैंने बना ली है। अब एक चेन लगाएंगे, यहाँ से हम वूल को काट देंगे और बंद कर देंगे। फ्रेंड इसकी लंबाई 7 इंच और जो चौड़ाई है वो है 6 इंच। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। ये फ्रेंड ये हमारी सीधी साइड है। अब हम क्या करेंगे, फ्रेंड्स आप इस स्लीपर की लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए जहाँ से हमने चेन लगाई थी स्टार्टिंग में वहाँ से हम सिलाई करेंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड, अब धीरे धीरे हम इसको प्रेस करेंगे इस तरह से। ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है। इस तरह प्रेस करके यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। ये देखिए एक नॉट और लगा देंगे, अब हम यहां से सिलेंगे। फ्रेंड फ्रंट पार्ट जितना रखना है उतना हम रख लेंगे। फ्रेंड मैं यहाँ तक सीलूंगी।
यहाँ पे वूल को काट देंगे। फ्रेंड्स अब हम ये एड़ी ये वाला पार्ट हम सिलेंगे। यहाँ पे हम बंद कर देंगे। बोल को हम काट देंगे, हम सीधा करेंगे। इसी तरह से हम दूसरा स्लिपर भी बना लेंगे। फ्रेंड इसके साथ ही बहुत सुंदर स्लिपर बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने ये दो फ्लावर लगाए हैं, बीच में मैंने ये मोती लगाए हैं। आप अपनी पसंद का यहाँ पे कोई फ्लावर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।